देखिये टू नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई फोर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन इनवर्स एक्स प्लस साइन इन वाई तो अगर देखो अगर मैं यहाँ पे लिखू कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू वन सॉरी पाई बाई टू फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू माइनस वन टू वन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स थीटा और थीटा बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन तो इन दोनों को भी हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस सॉरी कॉस है तो साइन हो जाएगा साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू में पाई बाई फोर तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को इधर भेज देता हूँ और इस कॉन्सेंट को इधर ले आता हूँ तो पाई बाई टू ये पाई बाई टू पाई हो जाएगा और इन दोनों को उधर दो जाएंगे इसको इधर लाएंगे माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू में हो जाएगा साइन इन एक्स और प्लस में साइन इन वाई इसमें लेके घटा दो यहाँ आ जाएगा फोर पाई माइनस का पाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन वाई तो यहाँ ऊपर घटाएंगे तो थ्री पाई और में फोर ये किसका वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इन वाई क्या? का इसी का ना वैल्यू निकालना था तो थ्री पाई बाई फोर आ गया समझ गए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री